हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मजमूर में। आजकल की भागा दौड़ी वाली लाइफ में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, पर सवाल ये उठता है कि ये हम कैसे करें या फिर जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं वो सही है या नहीं। अगर ये सवाल आपके मन में भी है और आप एक हैंडी और कन्वीनियंट ऑप्शन चाहते हैं तो हेल्दीफाई मी आपके लिए सही चॉइस है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हेल्दीफाई मी क्या है, इसके फीचर्स और इसे कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हेल्दीफाई मी के बारे में। हेल्दीफाई मी इंडिया का सबसे बड़ा हेल्थ और फिटनेस ऐप है जिसे 25 मिलियन लोग यूज करते हैं। हेल्दीफाई मी का यूज आप केवल वजन कम करने के लिए नहीं पर वजन बढ़ाने और एक हेल्दी रूटीन फॉलो करने के लिए कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल करने के बाद अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर से लॉगिन करें। पहले लॉगिन के बाद आपको कुछ डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे कि आपकी हाइट, वेट, एज और फूड प्रेफरेंसेस। साथ ही में आप एक टारगेट वेट डाल सकते हैं जो कि आप इस ऐप को यूज करने के बाद अचीव करना चाहते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ फ्री ट्रैकर्स दिखेंगे। इन ट्रैकर्स को यूज करने के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। इनमें आपको मिलेंगे कैलोरी ट्रैकर, वर्कआउट ट्रैकर, स्टेप, स्लीप, हैंड वॉश, मेडिसिन एंड वेट ट्रैकर। सबसे पहला फ्री ट्रैकर है कैलोरी ट्रैकर। इस ट्रैकर को यूज करके आप अपनी मील्स की कैलोरी ट्रैक कर सकते हैं। जो भी आप खा रहे हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इनके बीच में स्नैक, इन सब की एंट्री आप कर सकते हैं इस ऐप पर कैलोरी ट्रैकर के अंडर। और जब आप इसकी एंट्री करेंगे तो उसके हिसाब से आप पोर्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। पोर्शन सिलेक्ट करने के लिए एक पोर्शन में एक कटोरी है तो वो कितनी ml की है, कितने ग्राम की है, इन सब के हिसाब से आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। फिर जो आपने इनिशियली अपना टारगेट सेट किया है उसके हिसाब से जो आपका कैलोरी इनटेक होना चाहिए और जो आप मील्स खा रहे हैं उसके हिसाब से जो कैलोरी ऐप कैलकुलेट करेगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या आप ज्यादा कैलोरी इनटेक कर रहे हैं या फिर आप कम कर रहे हैं, ये आपको सामने ऐप पर ही दिख जाएगा। आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी ब्रेकअप मिल जाएगा, यानी आपके डाइट में कितना कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन और फाइबर है। आपने जो अपने डिटेल्स एंटर की है, जैसे कि हाइट, वेट, एज और आपका जो टारगेट है, उसके हिसाब से जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है ये ऐप शो करता ही है। तो आपके मील के अकॉर्डिंग क्या आप ये अचीव कर रहे हैं ये भी आपको ये ऐप शो करेगा। पर अगर आप अचीव नहीं कर रहे हैं तो आपको इसी ऐप पर सजेशंस मिल जाएंगे कि आपकी जो मील है उसमें आपको क्या चेंजेस करने चाहिए, ये ऐप आपको सजेस्ट करेगा। अगर आप किसी वजह से अपनी मील ट्रैक करना भूल गए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं बाहर गए थे, किसी काम में बिजी थे और आपने अपनी ब्रेकफास्ट की या लंच की एंट्री नहीं की है सेम डे या फिर किसी पास्ट वाले डे में, तो चिंता मत कीजिए, आपकी जो ट्रैकिंग है वो मिस नहीं होगी क्योंकि आप बैक डेटेड एंट्री भी कर सकते हैं, यानी अपनी पुरानी मील की एंट्री भी इस ऐप में कर सकते हैं। आपकी डाइट प्लानिंग में हेल्प करने के लिए आपको इस ऐप पर ढेर सारी हेल्दी रेसिपीज मिल जाएंगी। जब आप रेसिपी ओपन करेंगे तो आपको उस पर मैक्रो न्यूट्रिएंट सर्विंग्स के हिसाब से भी दिख जाएंगे, उस हिसाब से आप रेसिपी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्री ट्रैकर है वर्कआउट ट्रैकर। इस ट्रैकर को यूज करके आप अपना वर्कआउट जो है उसके हिसाब से कितनी कैलोरीज बर्न हुई है ये ट्रैक कर सकते हैं। जो भी आपका वर्कआउट है वो आप मैन्युअली एंटर कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी मील्स ट्रैक करेंगे तो उस हिसाब से आपकी कैलोरीज कितनी बर्न हुई है और आपके टारगेट के हिसाब से आपने जितनी कैलोरीज बर्न करनी चाहिए उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको सामने ही दिख जाएगा। इसके अलावा जैसे कि गूगल फिट है, फिटबिट है, इन चीजों को भी आप इस ऐप से लिंक कर सकते हैं। हेल्दीफाई मी पर आपको आपकी वॉकिंग और स्टेप्स के अकॉर्डिंग कितनी कैलोरीज बर्न हुई है ये भी दिख जाएगा। अगर आपका इनके अलावा कोई वर्कआउट है तो वो वर्कआउट प्लस स्टेप्स और वॉकिंग के साथ जितनी आपकी कैलोरीज बर्न हुई है ये सारी आपको वर्कआउट ट्रैकर पर दिख जाएंगी। नेक्स्ट फ्री ट्रैकर है वाटर ट्रैकर, यानी पानी वाला ट्रैकर। तो दिन में जितनी हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जितना हमें पानी पीना चाहिए वो हम कई रीजंस की वजह से पी नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं कोई काम करना शुरू करूं तो मैं उसमें इतनी बिजी हो जाती हूं कि मुझे पानी पीना चाहिए ये तक मैं भूल जाती हूं या फिर मैं इस चीज को इग्नोर करती हूं। तो इस जगह पर आपको ये ऐप हेल्पफुल होगा। आप इसमें एक टारगेट सेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने हिसाब से आपको दिन में कितने ग्लास पानी पीने हैं रिकमेंडेड के हिसाब से या फिर आपको जितने चाहिए वो आप इसमें सेट कर दीजिए। और आप इसमें फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकते हैं कि कौन से टाइम पर आपको पीना है और रिमाइंडर इनेबल कर सकते हैं। ये ऐप आपको याद दिलाएगा कि इस वक्त आपको पानी पीना है। तो आपने जितना पानी पिया है तो 250 ml पर ग्लास के हिसाब से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो एंड ऑफ द डे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना सेट टारगेट था और आपने कितना पानी पिया। जब आपको ऐप पर से नोटिफिकेशन आएगा तो बिना ऐप खोले केवल नोटिफिकेशन से ही आप अपने ग्लास की एंट्री कर सकते हैं। और एंड ऑफ द डे या फिर जब भी आपका टारगेट मीट होना है तब तक अगर आपने रिक्वायर्ड ग्लासेस ऑफ पानी पी लिया तो ये ऐप आपको चीयर भी करेगा, मोटिवेट भी करेगा।
अगला फ्री ट्रैकर है स्टेप ट्रैकर। तो गूगल फिट से लिंक करने के बाद जो भी आपके स्टेप्स हैं वो गूगल फिट वाले यहाँ पर शो करेंगे, पर हाँ साथ में आपको ये भी दिखेगा कि उन स्टेप्स के साथ साथ आपकी कितनी कैलोरीज बर्न हुई है। नेक्स्ट फ्री ट्रैकर है स्लीप ट्रैकर। अगर आपकी आदत है देर तक जगने की या फिर फोन यूज करते करते आपका ध्यान ही नहीं रहता कि आपको सो जाना चाहिए, तो ये ट्रैकर आपके काम आएगा। ये ट्रैकर आपको सजेस्ट करेगा कि आपकी आइडियल स्लीप आवर्स कितने होने चाहिए, उसके हिसाब से आप एक टारगेट सेट कर सकते हैं। टारगेट यानी आप कितने बजे सोएंगे और कितने बजे उठेंगे इस चीज का। तो अगर समझ लीजिए आपने रात को 11 बजे का टारगेट सेट किया और सुबह 7 बजे उठने का टारगेट सेट किया, फिर सुबह उठने के बाद जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे और स्लीप ट्रैक करने तब आप ये भी एंटर कर सकते हैं कि क्या आप वाकई में 11 बजे सोए या फिर कोई चेंज था, तो आप उसी वक्त इसे एडिट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपकी जो रोज की नींद है वो कैलकुलेट होगी और आपको एक आइडिया मिलेगा कि जितनी रिक्वायर्ड स्लीप है, जितनी रिक्वायर्ड नींद है, क्या आप उतनी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट फ्री ट्रैकर है मेडिसिन ट्रैकर। अगर आपकी कोई रूटीन मेडिसिन चल रही है या फिर कुछ दिनों की भी अगर रूटीन में मेडिसिन है और आपको याद नहीं रहता कि आपको टाइम से मेडिसिन लेनी चाहिए, या फिर आपने ले ली है और आपको याद नहीं आ रहा है कि क्या आपने आज मेडिसिन ली थी या नहीं ली थी, ऐसे टाइम पर ये ट्रैकर आपके काम आएगा। जैसे मेरी खुद की होम्योपैथिक मेडिसिन चल रही है और मैं बहुत बार भूल जाती हूँ जब मैं अपने काम में बिजी हो जाती हूँ, तो ये ऐप मुझे रिमाइंड कराता है कि मेरा मेडिसिन लेने का टाइम हो गया है। तो इसमें आप अपने मेडिसिन का नाम और जो भी उसके डोजेस है उसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर सेट कर सकते हैं और उन टाइम पर उन समय पर आपको ये नोटिफाई करेगा कि आपका दवाई लेने का टाइम हो गया है या नहीं। जैसे ही आप ले लेंगे उस नोटिफिकेशन के थ्रू जाकर आप ट्रैक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपने दवाई ली है ये अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप वापस से उस ट्रैकर में जाकर ये चेक कर सकते हैं, तो मिस हो गई है मतलब आपने नहीं ली है, और अगर आपने ट्रैक कर दिया है मतलब आप अपनी मेडिसिन ले चुके हैं। आप इन सब ट्रैकर्स के वीकली इनसाइट्स भी चेक कर सकते हैं। ये सब फ्री फीचर्स भी बहुत हेल्पफुल है और इनके रेगुलर यूज से मुझे पता चल रहा है कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है। इन फ्री फीचर्स के अलावा कुछ पेड फीचर्स भी हैं। सबसे पहला पेड फीचर मैं आपको बताती हूँ जो मैं यूज कर रही हूँ। मैं यूज कर रही हूँ हेल्दीफाई स्मार्ट। तो जो भी फ्री फीचर्स है उनके एडिशन में आपको हेल्दीफाई स्मार्ट के बेनिफिट्स मिलेंगे। इस प्लान में आपको असिस्ट करेगी AI पावर्ड न्यूट्रिशनिस्ट रिया। मुझे पर्सनली कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहिए था इसलिए मैंने हेल्दीफाई स्मार्ट चूज किया, लेकिन अगर आपको ह्यूमन गाइडेंस की जरूरत है तो आप हेल्दीफाई कोच के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें रिया आपकी डाइट प्लान बनाने में हेल्प करेगी। आप रिया से चैट करके कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने वर्कआउट प्लान बनाने में भी रिया की हेल्प मिलेगी। इस प्लान में आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी डिटेल्स मिलेंगी। आप लाइव वर्कआउट सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऑप्शन में जाकर आप बहुत सारे जो वर्कआउट सेशंस शेड्यूल्ड है वो चेक कर सकते हैं और स्लॉट और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको सही लगे वो चूज कर सकते हैं। वैसे रिया के सजेशंस तो आपको मिलेंगे ही, वो सेशंस भी आप अटेंड कर सकते हैं। जब आप हेल्दीफाई स्मार्ट परचेज करेंगे तो इनिशियली आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे, सिंपल क्वेश्चंस जैसे आपकी जो प्रेफरेंसेस है, चॉइसेस है, उनके बारे में। इसके हिसाब से रिया आपको आपके डाइट प्लान बनाने में हेल्प करेगी। हेल्दीफाई स्मार्ट के अलावा आपको और पेड फीचर्स मिलेंगे हेल्दीफाई कोच, हेल्दीफाई प्लस और हेल्दीफाई स्टूडियो में। हेल्दीफाई कोच में आपको मिलेंगे न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस कोच, ये आपकी डाइट प्लान बनाने में हेल्प करेंगे। आप इनके साथ वीक में 1 से 2 बार कॉल ले सकते हैं, तो आपकी डाइट प्लान बनाने, वर्कआउट प्लान बनाने और जो भी आपकी क्वेरीज है इन्हें रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। हेल्दीफाई प्लस में आपको डाइट और वर्कआउट प्लानिंग के साथ साथ डॉक्टर कंसल्टेशन भी मिलेगा। मेडिकल कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, PCOS एंड हाइपरटेंशन को सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अगला पेड फीचर है हेल्दीफाई स्टूडियो। इसमें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं लाइव वर्कआउट सेशंस अपनी सेफ्टी और कंफर्ट के हिसाब से घर पर ही। यहाँ आपको मिलेंगे बेस्ट इन क्लास ट्रेनर्स जो देंगे लाइव सेशंस। हेल्दीफाई मी ऐप के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसे इंस्टॉल करके इसके फ्री फीचर्स यूज करने के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो जो मैंने आपको पेड फीचर्स बताए हैं वो खरीद सकते हैं। अगर आप भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहते हैं अपने समय और सुविधा के हिसाब से, तो हेल्दीफाई मी ऐप को जरूर डाउनलोड करें और यूज करके देखें। मैं पर्सनली इसे यूज कर रही हूं और मुझे ये बहुत फायदे का लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और होम एंड मजमूर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।